विशाल के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे। आई थिंक द फाइनल वर्ड जो मैंने क्लिप में देखा कि भाभी बहुत सुंदर है, वो सुंदर दिखती है, वॉज डिफरेंट फ्रॉम जो पायल ने बोला, भाभी बहुत अच्छी दिखती है। गिल्टी वर्ड नहीं यूज होना चाहिए था, जो विशाल को भी लगा, लेकिन नियत मुझे विशाल की हमेशा देवर से साफ लगी है। मुझे इट्स नॉट घर से रिलेटेड या मेरे से रिलेटेड, तो मैंने कहा वो मेरा स्पेस नहीं है, उन लोग को बात करने दो। ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि थप्पड़ मिलेगा विशाल को। अच्छा, अगर आपको कन्फेशन रूम में बुलाया जाता दीपक जी और रणबीर जी की जगह अगर आप होती, तो आपका क्या स्टैंड होता कि क्या अरमान को बाहर निकालना चाहिए? अगर मेरे को कन्फेशन रूम में बुलाते और मेरे को ये चांस दिया जाता तो मैं इविक्शन के लिए जरूर हूँ। लेकिन ये मुझे पता था कि जिसने मेरे को बचाया है उस दिन कॉलोनी के बदले में, वो मेरा कोई अपना ही। मैंने जाते जाते लव को एक एडवाइस दिया था, इस घर में आपका कोई भी दोस्त नहीं है मेरे और विशाल के अलावा। वो लव उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है एज अ कंटेस्टेंट। लेकिन जाते वक्त मुझे ऐसा लगा कि तीन चार जन का वाइब मुझे नहीं मैच हुआ। वन इज अरमान, वन इज कृतिका, एंड वन इज चंद्रिका। ओके, विनर ऑफ बिग बॉस OTT 3 आपको क्या लगता है कौन होगा? जो लगता है कि जिन्होंने गेम अच्छा खेला वो ऐसा नमक। हाय मनीषा जी, कैसे हैं आप? हाय, गुड गुड, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छी हूँ। ये बताइए कैसा लग रहा है बैक टू नॉर्मल लाइफ आके? थोड़ा सा टाइम लग रहा है सेटल होने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स टेकिंग सम टाइम टू गेट बैक टू रियलिटी, लेकिन इट इज डेफिनेटली इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट क्योंकि 3-4 दिन ही हुआ है आके बाहर। बट यस, आई एम मिसिंग द हाउस, आई एम मिसिंग माई विशाल इन लव। ओ, अच्छा, आपको लगा था, आपको एक्सपेक्ट था कि आप इस स्टेज पे बिग बॉस OTT 3 से बाहर आ जाओगे, या फिर आपको लगा था अभी और लॉन्ग रन पे खेलना चाहिए था? क्योंकि जो मुझे लगा आपने 1 हफ्ता और, बिकॉज मुझे पता था मैं शातिर लोग के साथ ज्यादा नहीं टिक पाऊंगी। बट मुझे ये लगा था कि मे बी 1 वीक और अगर मैं टिक जाती तो मुझे थोड़ा वो जर्नी कंप्लीट लगता। अच्छा, क्योंकि जब आप आ रहे थे बाहर, जब आपका इविक्शन हो रहा था, तब कुछ जी ऐसा हुआ था जो शायद नहीं होना चाहिए था। उस टाइम पे एक जी ऐसा इंसिडेंट हुआ था, विशाल के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे। आपको क्या लगता है कि जो भी उनपे एलिगेशंस लगाए गए, जो भी पायल ने आके उन्हें कहा, या जो कुछ भी पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ, उसमें विशाल की कितनी गलती थी या नहीं थी? देखो, लव और विशाल के बीच में जो बात हुई वो उनको ही पता है, लेकिन आई थिंक द फाइनल वर्ड जो मैंने क्लिप में देखा कि भाभी बहुत सुंदर है, वो सुंदर दिखती है, वॉज डिफरेंट फ्रॉम जो पायल ने बोला, भाभी बहुत अच्छी दिखती है, मुझे अच्छी लगती है। आई डोंट नो एग्जैक्टली वर्ड क्या था, बट लाइन क्या थी, बट आई थिंक इट वॉज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम जो बोला गया था स्लाइटली। एंड अगर हम कुछ और तरीके से बात करें तो मैं यही कहूंगी कि गिल्टी वर्ड नहीं यूज होना चाहिए था, जो विशाल को भी लगा, क्योंकि वो एक मिसकंस्ट्रूट हुआ है या मिसइंटरप्रेट हुआ है। लेकिन नियत मुझे विशाल की हमेशा देवान से साफ लगी है, मुझे उस लड़के में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगता है। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो के बाद, जब उस टाइम ये सब क्रिएट हुआ, उसके बाद अरमान ने जो है विशाल को आके अनफॉर्चुनेटली थप्पड़ मार दिया, विच वॉज जी नॉट अ गुड रिएक्शन आई गेस। तो यस आपने उस टाइम क्या किया? आपने कुछ रोकने की कोशिश की विशाल को या कुछ भी? नहीं, मैंने रोकने की इसलिए कोशिश नहीं थी क्योंकि मैं वो लाउंज में थी भी नहीं, मैं वहां पे प्रेजेंट थी गार्डन में। एंड मेरे को इनफैक्ट सना सुल्तान ने बोला क्या कि मनीषा जी आप जाके देखे क्या हो रहा है अंदर, आप जाके इस सिचुएशन को कंट्रोल कीजिए। मैंने कहा मेरा स्पेस नहीं है बिकॉज 3 आदमी बात कर रहे हैं और मैं जाके इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, और वो लोग अपना इंटरनल हाउस मैटर बात कर रहे हैं रिगार्डिंग कृतिका और व्हाटएवर जो हुआ है। इट्स नॉट घर से रिलेटेड या मेरे से रिलेटेड, तो मैंने कहा वो मेरा स्पेस नहीं है, उन लोग को बात करने दो, अगर लगेगा तो मैं यहाँ ही बाहर हूँ, देयर इज नो इश्यू, बट आई डिडंट वांट टू बी फालतू में इंट्रूडिंग। ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि थप्पड़ मिलेगा विशाल को, बट आई डिडंट वांट टू बी ओवर इंट्रूडिंग। अच्छा, अगर आपको कन्फेशन रूम में बुलाया जाता दीपक जी और रणबीर जी की जगह अगर आप होती, तो आपका क्या स्टैंड होता कि क्या अरमान को बाहर निकालना चाहिए ऐसे रिएक्शन पे, या फिर अंदर ही रखना चाहिए? देखो ये स्पेशल केस वाली बात तो आती है, लेकिन अगर मेरे को कन्फेशन रूम में बुलाते और मेरे को ये चांस दिया जाता तो मैं इविक्शन के लिए जरूर बोलती।
ये मेरा पर्सनल टेक है। बट जब हमको बोला गया कि एक अलग तरीके से इस सिचुएशन को देखो, जब अनिल सर ने लड़कियों से बात किया, और तो मैंने ये सोचा कि मैं भी मैरिड हूँ, मेरा भी हस्बैंड है, हो सकता है, हो सकता है, द रीजन आई एम यूजिंग दिस वर्ड इज बिकॉज पॉसिबिलिटी है एक चीज का, हो सकता है कि वो रिएक्शन में लोग होश में जोश खो बैठते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है जब मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, तो उसमें हमने सिर्फ उस चीज पे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और कुछ नहीं। नॉट दैट आई एम ओके विथ हिज एक्शन, नॉट एट ऑल। अच्छा, आप क्योंकि लव और विशाल के सबसे ज्यादा क्लोज थी, आपको कहीं भी लगा, क्योंकि अब तो ये सामने आ गया है कि लव बाहर वाला थे, इतने दिनों से वो बाहर वाला प्ले कर रहे थे, आपको कहीं भी डाउट हुआ कि लव केश ही है जो बाहर वाला है जिन्होंने इतने सारे डिसीजंस लिए हैं? नहीं, मुझे लगा सना मकबूल है वो ग्लूटेन फ्री आटा पे, लेकिन ये मुझे पता था कि जिसने मेरे को बचाया है उस दिन पॉलिमी के बदले में, वो मेरा कोई अपना ही है, क्योंकि अगर बाकी घर वालों के हाथ में होता तो मैं नहीं बचती। लेकिन उस दिन फाइनली लव ने तो अपनी लॉयल्टी प्रूव की मेरे लिए, एंड वो मेरा भाई है और फैमिली है। लव और विशाल इस शो से बाहर जाके भी मेरे फैमिली है, एंड आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर देम फॉर लाइफ। अच्छा, क्योंकि लवकेश जब एक्सपोज हुए एज बाहर वाला, तो बिग बॉस ने एक ऑर्डर दिया कि वो उन्हें एविक्ट करना चाहेंगे, लेकिन फिर घर जी वालों को ये टास्क दिया कि जो भी लवकेश को बचाना चाहते हैं वो चक्की चलाएं, तो उनमें से सिर्फ आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि बहुत कम, या दो या तीन यही मैं लोग थे बोलने जिन्होंने वाली थी। चक्की चलाई। इवन लव वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड स्पेशली विद अरमान मलिक, कि भाई तुमने तो सबसे पहले हाथ खड़ा कर दिया कि मुझे घर से बाहर निकाल दो। तो इस पे आप क्या सोचते हो कि जिन लोगों ने चक्की नहीं चलाई लव के लिए? मैंने जाते जाते लव को एक एडवाइस दिया था, बट वो लिटिल इनोसेंट है उस चीज में, समझता भी है, लेकिन थोड़ा सा लोगों को फेस वैल्यू पे भी लेता है, बहुत स्वीट बंदा है, लोगों को मौका देता है। मैंने उनको ये बात बोली थी, इस घर में आपका कोई भी दोस्त नहीं है मेरे और विशाल के अलावा, और आपको ये बात जहन में ही रखना पड़ेगा, बाकी कोई भी आपका दोस्त नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। एंड सेकेंडली, जो सबने ऑफकोर्स मौके का फायदा उठाया बेचारे मेरे लव को निकालने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि वो लव उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है एज अ कंटेस्टेंट। उनको पता है स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, बाहर फॉलोइंग अच्छा है, उनको सपोर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस है, सो उनको मालूम है ये सब चीजें। सो आई थिंक दे वर ओनली प्लेइंग अ पॉलिटिकल गेम विथ हिम ताकि लव बाहर हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा होता है आप सबसे बड़ी चीज होती है आपकी नियत, आपका इंटेंशन, आपका हार्ड वर्क और आपकी मेहनत, और जो लगन जो लोगों को दिखा, जो बिग बॉस को जिनकी वजह से बिग बॉस ने एक चांस दिया लव को कि घर वाले उनको बचाए। लेकिन देखो, फिर से दूध का दूध पानी का पानी उसी वक्त हो गया, कोई नहीं चाह रहा था कि लव टिके, और स्टुपिड रीजंस दे रहे, स्टुपिड से स्टुपिड रीजंस, जो मुझे समझ ही नहीं आया। आपने बाहर आके बाल वाला होके ये किया, आपने रूल ब्रेक, कौन सा रूल ब्रेक किया भाई उसने, कौन सा, विशाल को कभी एडमिट ही नहीं किया कि वो बाहर वाला है। जहां तक मैं जानती हूँ, विशाल को सिर्फ ये इस चीज का इंट्यूशन था, अभी सच में एडमिट किया या नहीं वो क्लिप में नहीं दिखाया है, पर मैं यही कहूंगी कि आई थिंक ये एक तरीका था लोगों का असली चेहरा लाने के लिए कि कौन एक्चुअली लव को बचाना चाहता है। और अगर आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ हार्डली 3 या 4 जन, नॉट इवन 3 जन, आई डोंट नो कितने लोगों ने चक्की पिसा, मैंने सिर्फ शिवानी और विशाल को देखा, एंड आई शिवानी डोंट नो हु विशाल एंड एल्स। सना मकबूल ने सिर्फ चक्की पीसी थी। यस, ओके सना मकबूल ने अपनी लॉयल्टी दिखाई। अच्छा, क्योंकि मुनीषा जी आप घर के अंदर भी हमने देखा, आप ये बताते रहते थे सबको कि किसका ऑरा पॉजिटिव है, किसका ऑरा नेगेटिव चल रहा है, किसके साथ क्या होने वाला है। तो जब आप Day 1 पे घर में एंटर किया था आपने, तब आपको सबसे पॉजिटिव इंसान कौन लगा था और सबसे नेगेटिव कौन लगा था, और जब आप बाहर आए हो तब कौन लगा? देखो, Day 1 से जो पॉजिटिव लगे मैं उनके साथ ही थी Day 1 से, वो है लव और विशाल, और मेरा उनके साथ बॉन्ड इसलिए नहीं था, मैं जेन्युइनली इन लोगों को बाहर से नहीं जानती हूँ। मैंने विशाल से एक ही बार, उन्होंने मेरे को DM किया था एक रीडिंग के लिए, और उसके टाइम भी मेरा
वो रीडिंग नहीं हो पाया, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि विशाल कितना पॉपुलर है, बिकॉज ऐसे तो मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, मैंने सिर्फ देखा वेरीफाइड अकाउंट है, बाकी मैं उनके अकाउंट में नहीं गई, बट मैंने उनको रील्स वील्स पे देखा है, बट इतना बड़ा फैन बेस है उनका ये मुझे आइडिया नहीं था। तो जब मैं उन एंड सेम थिंग लव को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी, सेम थिंग जब मैं उनके साथ जुड़ी डे वन से, मुझे मैं सिर्फ इसलिए जुड़ी क्योंकि उनका वाइब बहुत अच्छा है, उनका वाइब बहुत अच्छा था मेरे लिए। और नेगेटिव वाइब तो डे वन का किसी का नहीं था, क्योंकि फर्स्ट डे पे, फर्स्ट 2-3 डेज पे सब लोग बहुत अच्छे बिहेव करते हैं, सब लोग का एक इम्प्रेशन बनता है। लेकिन जाते वक्त मुझे ऐसा लगा कि 3-4 जन का वाइब मुझे नहीं मैच हुआ। वन इज अरमान, वन इज कृतिका एंड वन इज चंद्रिका। ये 3 लोगों से मुझे लगा थोड़ा सा निराश, मैं निराश हो गई थी उनके बिहेवियर से। अरमान जी का तो काफी टाइम से था, एंड कृतिका और चंद्रिका का मुझे ये लगा कि उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाई टू से बाय व्हेन आई वाज लीविंग। आई एम गोइंग टू गिव यू 3 कैटेगरीज। इसमें आपको दो दो नाम बताने हैं, आपको दो नाम ऐसे लगते हैं, स्वीट कैंडी ऑफ हाउस। सना सुल्तान एंड सना सना मकबूल, दोनों कैंडी, आई ओके, कैंडी ओवर कॉन्फिडेंट इन हाउस, अरमान अरमान। ओके, ओनली अरमान, ओवर कॉन्फिडेंट। हाँ ओनली अरमान। अरमान और ओवर कॉन्फिडेंट, आई थिंक अरमान। सना मकबूल भी है, बट सना मकबूल काफी समझ चुकी है लास्ट के वीकेंड के बाद सो आई थिंक उनका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा प्लेस में आ गया। ओके, विनर ऑफ बिग बॉस OTT 3 आपको क्या लगता है कौन होगा? कोई दो नाम। मैं तो चाहूंगी ओनली लव एंड विशाल, और मेरा बस यही दुआ है कि ये दोनों, अगर दो नाम चुनने हैं तो ये दोनों, तीसरा कोई अगर उनके बाद, मुझे जो लगता है कि जिन्होंने गेम अच्छा खेला है वो सना मकबूल। ओके फाइन, लेट्स एंड दिस थैंक यू, इंटरव्यू। ओके, थैंक यस यू यस, मनीषा जी, हम थैंक से यू बात सो के लिए। मच, या बाय, थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.